तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और पिछले वाले लेक्चर में हमने आपसे बात कर ली थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स पहले समझते हैं, उसके बाद दिखेंगे। देखिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, कि जब आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। पिछले वाले लेक्चर में भी, मतलब चैप्टर में ही पढ़ाया हमने, कि जब एसिड और बेस को आप आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बस ये आपको याद करनी है, लिख लीजिए यहाँ से। देखिए, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस देन सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड HCl एंड बेस इज NaOH, NaCl प्लस H2O। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटलिस्ट। चलिए पहले समझते हैं स्टूडेंट्स की कैटलिस्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए। पहले भी इस बारे में बात हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। जब भी हमारे पास में कोई रिएक्शन है, सपोज कि ए कोई सब्सटेंस है और बी कोई सब्सटेंस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई सब्सटेंस बनता है सी और डी बनता है स्टूडेंट्स। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे पदार्थ, ऐसी चीज होती है जिसको आप अगर इस रिएक्शन के अंदर डाल दो तो ये रिएक्शन या तो फास्ट होने लग जाती है या फिर ये रिएक्शन स्लो होने लग जाती है। फास्ट के लिए अलग कैटलिस्ट होता है, स्लो के लिए अलग कैटलिस्ट होता है। एक ही कैटलिस्ट है, दोनों काम नहीं होता है। समझे आप मेरी बात को? तो अब बात समझिए आप कि कैटलिस्ट समझ में आया क्या होता है, फास्ट या फिर स्लो कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो समझिए, इसको लिखते हैं, दो सब्सटेंसेस विच डिक्रीजेज और इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड। इस लाइन का मतलब समझिए, इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड, कि आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो ये कैटलिस्ट खुद तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। समझे आप? ऐसे कैसे का मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा कि कैटलिस्ट कुछ और बन गया, ऐसा नहीं होगा। कैटलिस्ट तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस खाली ये रिएक्शन जो हो रही है उसको तेज कर देगा स्टूडेंट्स। तो ये लाइन कह रही है कि इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड, कि खुद में कोई चेंज नहीं होगा, आर कॉल्ड कैटलिस्ट एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैटालिसिस। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग? कैटालिसिस कहते हैं। और इस पर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैटालिसिस, क्या होता है? जैसे कि स्टूडेंट्स वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल का जो रिफाइंड ऑयल आप यूज करते हैं घर के अंदर, उसे हम वेजिटेबल ऑयल कहते हैं स्टूडेंट्स। जब उसके अंदर हाइड्रोजन गैस डाली जाती है तो स्टूडेंट्स वेजिटेबल घी बनता है, जिसको हम लोग डालडा भी कहते हैं। मार्केट में डालडा घी मिलता है जो खराब होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा। तो डालडा घी बनता है कैसे? वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन गैस डालने से। अब ये बहुत धीरे धीरे बनता है स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे ही इसके अंदर निकल कैटलिस्ट डाल दिया जाता है तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है? बहुत तेज हो जाती है और फटाफट से वेजिटेबल घी बनने लगता है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कैटलिसिस। टाइप्स ऑफ कैटलिसिस मतलब कि कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स अलग अलग बेसिस, मतलब अलग अलग बेस के अकॉर्डिंग अलग अलग इन्हें बांटा गया है। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास में टाइप है उसका नाम है टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट क्या होता है? स्टेट राजस्थान स्टेट वैसे नहीं, राजस्थान हरियाणा वो स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब है कि या तो वो लिक्विड में है, गैस में है, एक्वस में है या फिर सॉलिड में है, ये होता है स्टेट, स्टेट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स स्टेट के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट को दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला जो है उसका नाम है होमोजीनियस और दूसरा जो है हेटरोजीनियस। समझते हैं सबसे पहले कि होमोजीनियस क्या होता है, उसके बाद में लिखेंगे स्टूडेंट्स। होमोजीनियस कैटलिस्ट स्टूडेंट्स वो होते हैं, जैसे कि आपने सपोज कोई रिएक्शन करवाई यहाँ पर ए ली, ए प्लस बी, और उसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट बना वो सी और डी बना है स्टूडेंट्स। सपोज कि ए आपका किसी फिजिकल स्टेट गैस के अंदर है, बी भी आपका फिजिकल स्टेट गैस के अंदर है। आपने जो कैटलिस्ट यहाँ पर डाला, कैटलिस्ट मतलब कि कोई सीए डाल दिया, सपोज कोई कैटलिस्ट आपने डाल दिया, वो भी गैस में है और जो प्रोडक्ट बना वो भी गैस में है और ये भी गैस में है। मतलब कि रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों अगर हमारी सेम स्टेट के अंदर है स्टूडेंट्स, तो वो वाला कैटलिस्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। जैसे कि इसकी एक रिएक्शन देखो आप मेरे साथ, 2SO2
जो कि गैस में है, SO2 हमने गैस ली है, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक होता है O2 जो कि गैस के अंदर है स्टूडेंट्स, और इससे बनता है 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसमें जो कैटलिस्ट डाला है NO वो भी किस में है स्टूडेंट्स, गैस के अंदर है। तो ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, कैटलिस्ट भी गैस में है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड वो भी किस में है स्टूडेंट्स, गैस के अंदर है। तो ऐसे कैटलिस्ट होता है होमोजीनियस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, समझ में आया आपके, इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स हेट्रोजीनियस, समझिए हेट्रोजीनियस क्या होता है। इसका उल्टा कर दो आप, कि जब ये वाले और कैटलिस्ट सेम स्टेट में नहीं है, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक अगर चेंज मिल जाए तो आप क्या कहोगे, वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए आप, कि आपने N2 गैस ली, ठीक है, इसमें आपने H2 गैस को मिलाया और इससे आपको गैस मिल गई क्या, 2NH3। भाई गैस गैस को मिलाया और गैस मिल गई, सीधी सी बात है। लेकिन इसके अंदर बनाने में जो कैटलिस्ट हमने डाला है वो डाला है फेरस, जो कि है सॉलिड स्टेट के अंदर। तो ये तो है सॉलिड स्टेट में और बाकी ये दोनों है गैस स्टेट के अंदर। तो देखो मैच नहीं हो रही ना, तो कैटलिस्ट मैच नहीं हो रहे, तो ये कौन सा कैटलिस्ट है, ये है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट स्टूडेंट, समझ में आया। चलिए इसको लिखते हैं हम एवरीवन, ये देखिए लिखिए यहां से, When catalyst, reactants and products are present in same physical state in reaction, then this type of catalyst is called homogeneous catalyst and the phenomena is called homogeneous catalysis. 2SO2 गैस में है, इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, और यह है सल्फर ट्राइऑक्साइड स्टूडेंट्स, PHUR सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और जो कैटलिस्ट है उसका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो लिख लिया आपने स्टूडेंट्स, ढंग से दिख रहा होगा, आप लिख लेना इसको, थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा घिचपिच सा हो गया लेकिन राइटिंग मेरी सुंदर है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हेट्रोजीनियस में देखिए कि when catalyst and reactants are present in different physical states in a chemical reaction, then this type of catalyst is called heterogeneous catalyst and this phenomenon is known as heterogeneous catalyst. नाइट्रोजन लिया, H2 मिलाया, 2NH3 गैस में बना, लेकिन जो कैटलिस्ट डाला था वो सॉलिड स्टेट के अंदर है स्टूडेंट्स। इसका एक एग्जांपल देखिए कि वेजिटेबल ऑयल आपने लिक्विड में लिया और हाइड्रोजन गैस उसमें डाली स्टूडेंट्स, तो वेजिटेबल घी बन गया सॉलिड। आप देखना जो डालडा घी होता है उसे हम वैसे तो वेजिटेबल घी ही बोलते हैं, ये डालडा ही है, लेकिन ये बहुत टाइट होता है, नॉर्मल घी से बहुत ज़्यादा टाइट होता ही है, तो इसलिए इसको सॉलिड बोल दिया है यहाँ पर। तो इसमें जो कैटलिस्ट डाला है वो सॉलिड का है स्टूडेंट्स, देखिए मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये कौन सा है, हेट्रोजीनियस है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इनके एक्शन जो जो होते हैं उसके हिसाब से इनको कितने भागों में बांटा गया है स्टूडेंट्स। तो मैं बताऊं आपको, चार भागों में बांटा गया है। पहला है पॉजिटिव कैटलिस्ट, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। पहला है स्टूडेंट्स पॉजिटिव कैटलिस्ट, देखिए सिंपल सी बात याद रखो, पॉजिटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, मतलब रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, बहुत तेज कर देते हैं। जैसे कि A+B बन रहा था पहले, स्लो स्लो बन रहा था C+D, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई कैटलिस्ट डला, पॉजिटिव कैटलिस्ट डल गया इसके अंदर, तो क्या हो गई, ये तुरंत हो गई फटाफट फास्ट, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसी तरह से आप समझो स्टूडेंट्स नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं कि कोई रिएक्शन फास्ट हो रही थी, क्या हो रही थी, फास्ट हो रही थी, और जैसे इसमें आपने नेगेटिव कैटलिस्ट डाला तो ये रिएक्शन क्या हो गई स्टूडेंट्स, स्लो स्लो होने लग गई आराम आराम से, C+D। इसका एक आप देखिए, दोनों का बताता हूं मैं, जैसे पॉजिटिव क्या करता है, फटाफट बढ़ा देता है। इसका एग्जांपल आप देखिए, मेरी बात सुनिए, एग्जांपल समझिए, कि आपके पास में मिल्क है और आप इससे पनीर बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, पनीर बनाना चाहते हो। अब मिल्क कब फटेगा और कब पनीर बनेगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो क्या करा मैंने, दो बूंदे नींबू की डाल दी। तो नींबू क्या है, नींबू इज अ कैटलिस्ट, लेमन इज अ कैटलिस्ट। जैसे ही दो बूंद डली, जो काम दिनों में होने वाला था, एक दिन दो दिन के अंदर, वो काम आपका कुछ सेकंड्स में हो जाएगा चुटकी के अंदर,
ठीक है, तो लेमन से फटाफट काम हो गया, लेमन इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। वहीं मैं बात करूं नेगेटिव कैटलिस्ट का कि भाई धीरे धीरे करवानी है हमको, तो आप देखो लोहा होता है, लोहा आयरन होता है, आयरन पे जो जंग होती है ना स्टूडेंट्स, अगर वो लोहा पानी में पड़ा रहे तो फटाफट जंग लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयरन के ऊपर जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, कलर पेंट किया जाता है, जिससे क्या होता है उस पर जंग क्या है स्टूडेंट्स धीरे धीरे लगती है। तो जिंक ऑक्साइड क्या है, उसके ऊपर बचाव का काम कर रहा है, उस रिएक्शन को धीरे कर रहा है ताकि जंग धीरे धीरे लगे, समझे स्टूडेंट्स। तो चलिए लिखते हैं इनको, पॉजिटिव कैटलिस्ट को लिखेंगे, द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द पॉजिटिव कैटलिस्ट। देखिए 2KClO3 और इससे बन गया 2KCl+3O2, इसको देखिए आप 3O2 है, ये 3O2 बन गया, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट डाला गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड Mn ऑक्साइड, ठीक है, नहीं मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है Mn, और ट्राइंगल आ गया नीचे, मतलब कि हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसको, समझे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 2SO2+O2, इसके बाद बना सल्फर ट्राइऑक्साइड 2SO3, और इसमें जो कैटलिस्ट डला है उसका नाम है NO। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ देखिएगा द कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। जैसे कि 2H2O2 हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने H2O पढ़ाया अब तक, मतलब कि वाटर, लेकिन वाटर के साथ में अगर एक और जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर H2O जाता है, मतलब कि इसके ऊपर एक और ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, अगर एक और ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए कि ऑक्सीजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलेंगे इसको। उसके बाद में जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि 2H2O बन जाता है और O2 बन जाता है, कैसे बनता है, ग्लिसरॉल डाल देते हैं इसके अंदर और बड़ा धीरे 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 ये इससे वाटर बन जाएगा और O2 बन जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। सेकंड जो एग्जांपल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पूछता है बोर्ड, ठीक है, 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह के अंदर बेहोश करने के काम आता है क्लोरोफॉर्म, O2 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है फटाफट से 2COCl2 बन जाता है और 2HCl बन जाता है। जो 2COCl2 ये बना है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं फोसजीन गैस। फोसजीन गैस एक ऐसी गैस होती है, पॉइजनस होती है बहुत ज्यादा, पॉइजनस होती है ये, तो स्टूडेंट समझिए पॉइजनस होती है, मतलब कोई सूंघेगा इसको तो मर जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसी बात होती है क्लोरोफॉर्म में O2 मिलाने से। लेकिन क्या करते हैं कि एथेनॉल डाल देते हैं इसके अंदर, जिससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे कन्वर्ट होती है, और धीरे धीरे कन्वर्ट होने के कारण इसका जो मतलब मारने का इफेक्ट होता है, जो पॉइजनस इफेक्ट होता है, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कम हो जाता है। तो इसके ऊपर देखिए नोट देखिए क्या बोल रहा है, क्लोरोफॉर्म इज सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो क्लोरोफॉर्म होता है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि अपने आप ही, कराने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म पॉइजनस गैस फोसजीन। क्लोरोफॉर्म पड़ा है, ऑक्सीजन है कहाँ पे, एयर में, रिएक्ट कर लेगा अपने आप ही और पॉइजनस गैस बना लेगा, इसका नाम है फोसजीन, समझ रहे हैं। तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एथेनॉल इज एडेड टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एथेनॉल इसके अंदर मिलाया जाता है, जिस कारण से क्या होता है इस रिएक्शन की जो मतलब डिक्रीज होता है इसका बनने का टाइम जो होता है, देखिए फटाफट नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है, जिससे आप उसको बचा सकते हो। तो ये है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स ऑटो कैटलिस्ट। देखिए ऑटो कैटलिस्ट समझने की बात है, बहुत अच्छा कैटलिस्ट कहने का मतलब ये है कि आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान से समझना, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। अब देखिए देखिए स्टूडेंट्स ये वो कैटलिस्ट होता है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो ही आपका कैटलिस्ट का काम करता है, जो रिएक्टेंट है वो ही कैटलिस्ट का काम कर देगा। कैसे, पहले रिएक्शन समझिए कि आपने एथिल एसीटेट लिया और उसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया, जैसे ही रिएक्ट करवाया तो थोड़ा सा मामूली सा आपका एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, CH3COOH बन गया थोड़ा सा मामूली सा, और जैसा ही मामूली सा बना तो ये क्या करेगा इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का काम कर देगा, और जैसे ही कैटलिस्ट का काम करेगा तो रिएक्शन तेज होने लग जाएगी और फटाफट CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड ही बनने लग जाएगा और खूब सारा एथेनॉल भी बनने लग जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं बात को, ऐसा होता है। तो द कैटलिस्ट इन विच द प्रोडक्ट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट, प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, दिस कैटलिस्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट।
नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स बायो कैटलिस्ट। देखिए बायो कैटलिस्ट क्या होता है, बायो कैटलिस्ट वो होते हैं जो बायो बायो से रिलेटेड जितने, बायो का मतलब वो सब्जेक्ट बायो नहीं, बायो का मतलब बताता हूँ क्या होता है, जितनी भी रिएक्शंस होती है जैसे खेतों के अंदर होती है, खाद डालना और गोबर गैस बनाना, गोबर गैस से जो है मतलब खाना बनाना, खाना कैसे बनाते हैं उनसे जो वो है पेट्रोल मतलब उनसे चूल्हा वगैरह जलाते हैं उस गैस से, तो ये काम होते हैं स्टूडेंट्स खेतों के लिए, उनको अपन कहते हैं बायो एक्टिविटीज़ जो खेतों में काम होते हैं। तो देखिए जो कैटलिस्ट बायो एक्टिविटीज़ में काम आते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। जैसे कि दो सब्सटेंसेज विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उनकी रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट, आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। जैसे कि माल्टोस होता है, हमारे पेट के अंदर माल्टोस होता है, हमने खाना खाया उसमें माल्टोस है, अब माल्टोस ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट कर देगा, माल्टोस है वो ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होएगा ताकि हमारे शरीर में लगे गुण करे, उसमें आप माल्टेस एक कैटलिस्ट मिलता है, वो माल्टेस जैसे ही मिलता है तो माल्टोस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन बाहर की तरफ भी होती है, जब खेतों वगैरह के अंदर माल्टोस डाला जाता है तो माल्टेस कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है ताकि जो ग्लूकोज है वो खतर जो है वो फसलों को लगे, ग्लूकोज बने उससे। ठीक है एवरीवन, तो बायो कैटलिस्ट समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, खेतों की बात कर ही रहे हैं तो एक एग्जांपल आपको और बता देता हूँ कि यूरिया जो होता है बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, NH2CO NH2, और इसमें जब आप वाटर मिलाते हो तो एक कैटलिस्ट इसमें डाला जाता है यूरिएज, और जैसे आप यूरिएज डालते हो तो आपको बनता है 2NH3+CO2 स्टूडेंट्स। तो ये होता है स्टूडेंट्स बायो केमिकल के लिए यूज होने वाला कैटलिस्ट। नेक्स्ट देखिए आप, सम सब्सटेंसेज आर ऑल्सो यूज टू अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी होती है उसको अफेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स अफेक्ट करते हैं कैटलिस्ट को। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट प्रोमोटर, स्पेलिंग देखिए CATALYST, कैटलिस्ट प्रोमोटर PROMOTER। कैटलिस्ट प्रोमोटर जो पॉइंट है वो क्या कहता है, आपने किसी रिएक्शन के अंदर, जैसे ये रिएक्शन आपने ली और इस रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स आपने कोई कैटलिस्ट डाला, तो वो सब्सटेंस कैटलिस्ट प्रोमोटर वो होता है वो सब्सटेंस जो इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनक्रीज कर दे, समझ रहे हो, रिएक्शन को नहीं इसकी एक्टिविटी को, मतलब कैटलिस्ट के काम करने की एक्टिविटी को इनक्रीज कर दे, वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कैटलिस्ट प्रोमोटर होते हैं। दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट ऑन मिक्सिंग विद कैटलिस्ट इन रिएक्शन मिक्सचर आर कॉल्ड कैटलिस्ट प्रोमोटर। जैसे कि आपने एक रिएक्शन बनाई और रिएक्शन के अंदर आपने Fe कैटलिस्ट डाला और Fe के अंदर आपने डाला MO यानी कि मोलिब्डेनम डालोगे तो क्या होता है, Fe के काम करने की एक्टिविटी ज़्यादा तेज हो जाती है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव से इसको कंपेयर मत करना, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, फास्ट स्लो करते हैं, और जो कैटलिस्ट प्रोमोटर होता है ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बताता है, तेज करता है। कैटलिस्ट पॉइजन पोर्टल, ये इसका सेम टू सेम उल्टा होता है स्टूडेंट्स, कि वो सब्सटेंस जो आप किसी कैटलिस्ट के साथ में डालोगे तो कैटलिस्ट की जो काम करने की एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोज सब्सटेंसेज विच डिक्रीज इज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट ऑन मिक्सिंग विद कैटलिस्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर आर कॉल्ड द कैटलिस्ट पॉइजनस। N2+3H2 Fe के साथ में डाला आपने CO तो बना 2NH3 कार्बन मोनोऑक्साइड आपने डाला है Fe के साथ में स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्टिक प्रोमोटर एंड पॉइजनस। तो ये दोनों आपको लिखने पड़ेंगे, कैटलिस्ट प्रोमोटर क्या होता है और कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है अच्छाई, हिंदी में याद कर लीजिए अच्छाई, कि क्या क्या अच्छाइयाँ होती है एक कैटलिस्ट की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देता है, स्लो कर देता है, खुद मिलता नहीं है, खुद पे इफेक्ट नहीं आता है, ये चार पांच बातें आपको याद है, बस वही हमको लिखनी है यहाँ पर। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, कि जो कैटलिस्ट होता है स्टूडेंट्स वो रेट को बढ़ाता है या फिर घटाता है, इसके अंदर जो केमिकल
कंपोजिशन होता है कैटलिस्ट का कि कितना है, बढ़ेगा या घटेगा, तो जो कैटलिस्ट होता है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को घटाता और बढ़ाता है। जैसे कि कैटलिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर चेंज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन एंड अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात क्या बोलता है ये कि रिएक्शन को अफेक्ट करने के लिए, तेज या स्लो करने के लिए कैटलिस्ट का थोड़ा सा अमाउंट ही काफी है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन रिएक्शन मिक्सचर। समझे? तीसरा पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स कि हर रिएक्शन के लिए एक अलग कैटलिस्ट होता है। समझ रहे हो आप? जैसे आपने एक अलग रिएक्शन करवाई, SO2 वाली करवाई उसके लिए अलग है, कैसी LO3 वाली करवाई तो उसके लिए अलग कैटलिस्ट है। तो सब रिएक्शंस के लिए अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं और सबके लिए एक कैटलिस्ट नहीं हो सकता। देयर इज अ स्पेशल कैटलिस्ट फॉर ईच रिएक्शंस, सो ओनली वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलिस्ट ऑल रिएक्शंस। एक अकेला सबको कैटलाइज नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए जो फोर्थ है वो क्या कहता है कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट होगा तो ही वो रिएक्शन स्टार्ट होगी, लेकिन वो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को तेज कर सकता है। मतलब कैटलिस्ट जरूरी नहीं है कि वो उस रिएक्शन को स्टार्ट करे, आप बाद में डाल दो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में, तो भी वो क्या करेगा, उसको तेज कर देगा, उसके जो स्पीड है उसको। नेक्स्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो अगर कोई कैटलिस्ट इधर की तरफ मतलब लेफ्ट टू राइट जाने के लिए काम कर रहा है किसी स्पीड से, समझ रहे हो आप, तो उसी स्पीड से काम करेगा जब वो रिएक्शन इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। जितनी स्पीड से इधर जाएगी उतनी स्पीड से इधर आएगी। नेक्स्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स कि कैटलिस्टिक एक्टिविटीज अफेक्टेड ऑन द चेंज इन द टेम, कि जो कैटलिस्ट होता है स्टूडेंट्स उसकी जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है उस आसपास के टेम्परेचर के ऊपर। कि कोई कैटलिस्ट आपके पास में दिया हुआ है तो वो कैटलिस्ट गर्मी के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस हिसाब से काम करेगा, और कम टेम्परेचर है तो स्टूडेंट्स उस हिसाब से काम करेगा। मतलब कि कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है स्टूडेंट्स टेम्परेचर के ऊपर। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में एंड होता है चैप्टर ये वाला। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। फोटो ले लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। देखिएगा ये यहाँ पर आपके पास में 10 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपको लिख लीजिए इनको, या आपको नोट्स में इनके सबके आंसर मिल जाएंगे। और नहीं मिलते हैं तो देखिए मैं बता देता हूँ, ये रहे इनके आंसर, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, सब क्वेश्चन अपने कॉपी में करिए और सबमिट कराइए, लिख लीजिए, लिख लिया, शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को।